विरार गोलीकांड मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, हत्या को अंजाम देने के उद्देश्य से ली थी 1,00,000 रुपए की सुपारी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से विरारपुर के गुप्चरपाड़ा में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट मोबिन शेख के घर पर अज्ञात हमलावर ने गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद मोबिन द्वारा अज्ञात हमलावर के खिलाफ विरारपुर स्टेशन अंतर्गत मामला दर्ज करवाया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार अज्ञात हमलावर की तलाश में जुटी हुई थी। आपको बता दें कि अब इस पूरे गोलीकांड मामले में विरार पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज से इस बात का पता चला कि हमलावर स्कूटी पर सवार होकर आया था, जिसके बाद पुलिस ने स्कूटी के नंबर की पड़ताल की और अपने मुखबिरों को एक्टिव करते हुए अज्ञात आरोपी की पहचान करने में सफलता हासिल कर ली और आरोपी मोहित ठाकुर को अंधेरी से गिरफ्तार कर लिया। जब पकड़े गए आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी को मोबिन शेख की हत्या करने के लिए 1,00,000 रुपए की सुपारी मस्तान शेख नामक व्यक्ति और उसके साथी द्वारा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाते हुए मस्तान शेख और अजय ठाकुर को सूरत गुजरात से पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास से 1 गावटी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खाली केस और 2 धारदार हथियार सहित 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।